हेलो नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास लेकर आ गए हैं और इसमें हम कुछ जो महत्वपूर्ण विदेशी सभ्यता थी उनको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये 10,000 ईसा पूर्व की बात है। देखो, ये सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पहली सभ्यता यही है। तो इसको देखते हैं कहाँ का स्थिति। देखो, इसका विकास दजला फराद कि जो दो नदियां हैं दजला और फराद के मध्य में इसका विकास हुआ था और इसकी मिट्टी बहुत ज्यादा अत्यधिक उपजाऊ थी। तो ये इसीलिए ग्रामीण सभ्यता भी थी क्योंकि इसका जो मुख्य आधार था कृषि थी। और इसके ये ना चार भागों में बटी थी। तो देख लेते कौन से कौन से थे। देखिए, सुमेरियन की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैल्डिया की सभ्यता, ये इन चारों भागों में बटी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इसमें क्या क्या समझ था। देखो, झूलता हुआ बगीचा इसमें मिला है बेबीलोन में। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण है। और जो सिकंदर था, सिकंदर महान, उसने इसी सभ्यता को बर्बाद करके और ग्रीक की सभ्यता को थोप दिया था लोगों पर। ठीक है, सिकंदर ने। विश्व की सबसे पहली सभ्यता भी ये थी। और अगर उस समय विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता तो वो सिंधु सभ्यता थी। और ये पूछे कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व। तो नेक्स्ट सभ्यता को देखते हैं, दूसरी सभ्यता को। तो दोस्तों, दूसरी सभ्यता को देखते हैं, मिस्र की सभ्यता को। देखिए, यह मिस्र के जो रेगिस्तानी इलाका है उसमें ये पनपी विकसित हुई थी और ये वहीं स्थित है। तो इसको नील नदी की देन पाया जाता है क्योंकि नील नदी के किनारे पर है। और यह सभ्यता प्रामीणों के लिए बहुत विख्यात थी। प्रामीण होते थे, ऐसे करके बनाते थे ये लोग प्रामीण टाइप ऐसा, और इतना ऊंचा बनाते थे और ये कई मंजिला हुआ करते थे, कई मंजिला, और इतने भारी भारी हुआ करते थे पत्थरों पर टोटली। तो तब भी इतनी अच्छी कला थी। और देखिए, इसमें जो प्रामिड जो सबसे फेमस था वो था गीजा का प्रामिड। और इसमें देखो, जो सूर्य कैलेंडर है उसका विकास हो रहा था। सूर्य कैलेंडर वो होता है जैसे कि अभी जो ग्रीक कैलेंडर है उस सूर्य पर ही आधारित है, जिसमें 30 दिन होते हैं, मतलब जो मैक्सिमम टाइम 30 दिन होते हैं। और एक होता है चंद्र कैलेंडर, जो चंद्रमा पे उसमें होते हैं 28 दिन। चंद्रमा पर जो आधारित होता है वो ये है। देखो, जैसे कि शक जो हम हिंदू लोगों के उसमें होता है, एक मुस्लिम में होती है हिजरी कैलेंडर, वो भी 28 दिन पे आधारित है, यानी कि चंद्रमा पर आधारित है। और जो जनवरी फरवरी दिसंबर वगैरह ये होते हैं, ये 30 दिन होते हैं इसमें, 30-31 मून। तो ये सूर्य पर आधारित होता है, तो इसका विकास वहीं से हो रहा था। ये मम्मी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मम्मी मतलब कि जो लोग मर जाते थे तो उनको ये पट्टी में या कपड़े में लपेट कर एक रसायन, पता नहीं इतनी अच्छी वहाँ की जो रसायन शास्त्र है वो ये उसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, रसायन शास्त्र के लिए। ऐसा कोई रसायन लगाते थे उस पर कि वो न सड़ती थी, कई कई हजारों साल तक जीवित रहे, वो सॉरी गलती सड़ती नहीं थी वो खान। तो जो ये प्रामिड थे इनमें ही ये लगा दिया करते थे इनको। अभी तक भी एक राजा रानी है, उनके जो सब हैं वो हैं इसमें, उनको देखने के लिए लोग जाते हैं। तो इसमें बस यही है मम्मी का विकास यहाँ। और सिंधु सभ्यता में भी एक मम्मी मिली थी गुजरात के लोथल में, तो वहाँ से भी इनका थोड़ा कनेक्शन था हमारे यहाँ से सिंधु सभ्यता से। तो इसमें बस यही है, आगे देखते हैं। देखिए, अगली सभ्यता देखते हैं, रोम की सभ्यता। इसका जो काल है 600 ईसा पूर्व। इसको इटली में विकसित किया गया था, मतलब जो आज का जो इटली है उसकी राजधानी भी रोम है, तो वहीं इसका विकास हुआ था। तो इन लोगों का भूमध्य सागर जो वहाँ का एरिया है इटली का पूरा भूमध्य सागर, तो उस पर इनका पूरा अधिकार था।
प्राचीन सभ्यता में ये सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी उसका स्ट्रक्चर है उसमें रोम में, इटली के रोम में, तो बहुत ही शानदार है एकदम। तो वहाँ पे जो पर्यटक हैं वो आकर्षण होते हैं वहाँ जाने के लिए, और जाते हैं वहाँ। जो वहाँ के जो अवशेष थे वो आज भी वहाँ पर रखे गए हैं म्यूजियम वगैरह में, और बहुत ही शानदार सभ्यता थी, सबसे विकसित सभ्यता यही थी। और वहाँ पे दो राजा हुआ करते थे, जूलियस सीजर और ऑगस्टन। इन दोनों ने इसको विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो हमारे ग्रेवियर साहब हैं, ग्रेवियर, वो जब सन 1600 में, 1600 ईस्वी में जब कैलेंडर बना रहे थे यूरोप में, यूरोप के ही ग्रेवियर, तो जब ये कैलेंडर बना रहे थे तो इन्होंने इन दोनों राजाओं के नाम पर 2 महीने रखे, जूलियस, जूलियस का रखा, जूलियस का नाम रखा जुलाई और अगस्तन का रखा अगस्त। ये 2 महीने इन्हीं दोनों राजाओं के नाम पर रखे थे। और जूलियस सीजर नामक एक नाटक भी है, वो विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा है, तो वो भी वहीं से है। तो रोम की सभ्यता बस यही इसमें इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं, देखिए फारस की सभ्यता को देख लेते हैं छोटी सी। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। ये वर्तमान जो ईरान है अभी का उसमें स्थित थी, और जो इनकी भाषा थी वो थी फारसी, फारसी भाषा बोलते थे लोग। और यहाँ पर जो लोग थे वो पारसी धर्म को माना करते थे, पारसी धर्म को माना करते थे। इसी धर्म को सिकंदर ने खत्म कर दिया था, इसी धर्म को सिकंदर ने खत्म कर दिया था। तो फारस की सभ्यता में बस इतना ही है। आगे देखते हैं, एक और बची हमारी स्पार्टा की सभ्यता। देखिए स्पार्टा की सभ्यता को देख लेते हैं। स्पार्टा की सभ्यता एक ग्रीस है, ग्रीस के क्षेत्र में विकसित हुई थी, ग्रीस के क्षेत्र में विकसित हुई थी। देखो इनका जो मुख्य राजा था वो था लियो नाइट्स। ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध थी। लियोनाइट्स के जो सैनिक थे वो थे 300, और जो ग्रीस के सैनिक थे वो थे 20,000, 20,000। इन 300 सैनिकों ने ये 20,000 सैनिक मार दिए थे। वो तो जो यहाँ का राजा था ग्रीस का, ग्रीस के सैनिकों जो नेतृत्व कर रहा था, उसने गलती से लियोनाइट्स को धोखे से मार दिया था, वरना ये जो 300 थे वो 20,000 पर भारी थे। इनको क्या होता था कि 12 साल की आयु में ही ये लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते थे जो सैनिक थे इनके, और 20 साल तक चलती थी उसकी ट्रेनिंग, 12 से 20 यानी 8 वर्ष तक। और फिर जो लास्ट में उसको जो 20 साल हो जाते थे तो जंगल में छोड़ दिया करते थे, जंगल में भेड़ियों के बीच। अगर वो जिंदा लौट के आ गया तो वो सेना में शामिल हो जाता था, और वरना मर गया तो मर गया। इतने खतरनाक थे लियोनाइड्स के, जिंदा राक्षस थे ये लोग। और एक और सभ्यता है पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की ये चीन में विकसित हुई थी। ये वांगो, वांगो वांगो नदी है, उसे पीली नदी भी बोलते हैं। उसके किनारे विकसित हुई थी ये, अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। जाओ भूमि के लिए बस ये पीली सभ्यता खत्म हो गई।
और स्पार्टाई सभ्यता में, तो यहाँ सब विदेशी सभ्यता खत्म हो गई सारी। तो हम नेक्स्ट देखेंगे हिस्ट्री में। आज की वीडियो यहीं तक है, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।